और राजेश, एक चीज़ जो कैमरे के सामने दिख रहा है कि किस प्रकार का प्रोटेस्ट चल रहा है, किस प्रकार की वो मांगे कर रहे हैं, जाहिर तौर पे ऐसे प्रोटेस्ट ऐसी मांगों तो ठीक है, लेकिन पर्दे के पीछे की जो कहानी है जो नहीं दिख रहा है, वो एनसीपी के नेताओं से ऑफ रिकॉर्ड अगर बातचीत हो रही होगी, उसमें क्या कुछ वो बता रहे हैं और आगे का रास्ता कैसा देख रहे हैं? देखिए, ये जो पूरा वाक्या सामने आया है, सवेरे जब किताब का विमोचन होना था और वहां पे शरद पवार ने ये जो बड़ा बम फोड़ा है महाराष्ट्र की राजनीति में कि वो संन्यास ले रहे हैं, एनसीपी के नेताओं का कहना है कि परिवार के लोगों को ये बात पहले से पता थी और अजीत पवार ने भी मंच से इस बात का जिक्र किया, यानी कि परिवार को कॉन्फिडेंस में रखा है शरद पवार ने। हालांकि दूसरे जो नेता है, जो बड़े नेता है, प्रफुल्ल पटेल हो, जयंत पाटिल हो, छगन भुजबल हो, वो जरूर कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन सुप्रिया सुले की चुप्पी साथ ही अजीत पवार ने मन से कहा कि उन्हें इस बात का इल्म था, उन्हें जानकारी थी और शरद पवार इस फैसले से डिगेंगे नहीं। इसका मतलब साफ है कि पहले से बहुत कुछ तय हो चुका है देवेंद्र, कि आखिर आगे इस पार्टी को आगे कौन लेके जाएगा, राष्ट्रीय राजनीति में, राज्य की राजनीति में कौन लेके जाएगा, ये सब कुछ तय हो चुका है। आज उसकी शुरुआत है, अब धीरे धीरे बातें जो है वो साफ होंगी। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में वहां जो तमाम सपोर्टर्स हैं एनसीपी के शरद पवार को चाहने वाले, वो इकट्ठा होने शुरू हो गए। सुप्रिया सुले भी अभी पहुंची है वहां पर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, सुधीर सूर्यवंशी जी, सीनियर जर्नलिस्ट है मुंबई से। सुधीर जी, 17 अप्रैल को सुप्रिया सुले ये कहती हैं कि 15 दिन के भीतर भीतर महाराष्ट्र में दो बड़े राजनीतिक विस्फोट होंगे, तो क्या इसको उसी से जोड़कर देखा जाए? आज 16वां ही दिन है और अचानक से आत्मकथा का विमोचन है शरद पवार का, और वो ये ऐलान कर देते हैं ठीक 12:45 पे कि वो पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं। हाँ, सुप्रिया जी ने कुछ दिन पहले कहा था पुणे में बात करते हुए कि दो पॉलिटिकल अर्थक्वेक हो सकते हैं, एक महाराष्ट्र में हो सकता है और एक दिल्ली में हो सकता है। शरद पवार का रिजिग्नेशन देखा जाए तो महाराष्ट्र का पॉलिटिकल अर्थक्वेक हम लोग कर सकते हैं, और दूसरा दिल्ली में क्या होता है वो अभी देखने वाली चीज होगी कि आने वाले दिनों में दिल्ली में कौन सा पॉलिटिकल अर्थक्वेक होता है। ये जो बातें उभर के आ रही है, सबसे पहले अहम चीजें इसमें और दो तीन चीजें उभर के आ रही है। जिस तरीके से अजीत पवार ने पूरा शरद पवार के रिजिग्नेशन का ऐलान के बाद में जो शो डोमिनेट किया, सुप्रिया सुले को भी बात रखनी नहीं दिया जो बात वो रखने चाहती थी, तो इसमें एक क्लियर कट इंडिकेशन के कि पवार फैमिली में भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। दो राय है शरद पवार की रिजिग्नेशन के ऊपर, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और बाकी जो गुट है एनसीपी का, वो चाहता है कि शरद पवार कंटिन्यू रहे, और जो अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और बाकी गुट चाहता है कि शरद पवार एक उम्र के हिसाब से रिटायरमेंट ले ले, और जो पार्टी की जो भागदौड़ है वो उनके हाथ में यानी और नेशनल लेवल पे सुप्रिया के हाथ में सौंप दे, तो सुप्रिया पार्टी की नई प्रेसिडेंट बन सकती है, उनको ग्रूम किया जा सकता है, शरद पवार मेंटरिंग की भूमिका में जा सकते हैं। लेकिन एनसीपी के कुछ लोग कहते हैं कि शरद पवार पार्टी से बाहर जाना, क्योंकि शरद पवार ही एनसीपी की आत्मा, सोल, जो कुछ इमेज, जो कुछ आइडियोलॉजी, जो कुछ है गाइड फिलोसोफर, वो एनसीपी की है, वो दूर जाएंगे तो एनसीपी को एक झटका लग सकता है, और लोग जो बहुजन लोग है, निचले तबके के आते हुए लोग है, माइनॉरिटी है, वो डिस्टेंस भी रख सकते हैं। सुधीर जी, क्या ये संभव लग रहा है कि अगर सुप्रिया सुले को कमान दिया गया, जैसी कि शरद पवार की इच्छा समझी जा सकती है, उस स्थिति में अजीत पवार इसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी फैमिली में, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति और एनसीपी पर्टिकुलरली पवार फैमिली की राजनीति हम देखेंगे, तो शरद पवार ने ऑफिशियली कोई चीज ऐसे डिक्लेयर नहीं की कि महाराष्ट्र में कौन लीडरशिप करेगा और सेंटर में कौन करेगा। लेकिन जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, अजीत पवार स्टेट की पॉलिटिक्स देखते हैं और सुप्रिया सुले हमेशा दिल्ली की पॉलिटिक्स देखती है, और हमेशा वो दिल्ली के और सेंटर के चीजें में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है और अजीत पवार स्टेट लेवल पे दिखाती है। वही चीजें हो सकती है शरद पवार रिजिग्नेशन के बाद में, अजीत पवार के हाथ में पूरी पार्टी की स्टेट की कमान आ सकती है, और नेशनल लेवल का जो भी कुछ चीज है वो सुप्रिया सुले दे सकती है, देख सकती है।
ये पूरे मेरे ख्याल से एक फैमिली में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, इसलिए फैमिली को चीज पता है, बाकी लोगों को चीज पता नहीं। जैसे अजित पवार ने ऑलरेडी कहा कि कल ही वो रिजिग्नेशन का ऐलान करने वाले थे, लेकिन महाविकास आघाड़ी की वज्रमुट की रैली थी, उसलिए उन्होंने कल नहीं किया, आज किया, इसलिए थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग फैमिली में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।